भाई कहाँ चला रहे हैं लोग? अरे बाप रे, अरे स्कूल के बच्चे। कोड़ाई राइड इज डेंजरसली ऑसम, ऐसे एंट्री हुई है कोड़ाई में। गजब यार, क्या गजब लग रहा है। ऐसे पहाड़ी पे छोटे 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 घर बने हुए हैं। सही है, मस्त लग रहा है, देखो काफी मस्त बना हुआ। और भाई कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? बस मजा आना चाहिए। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, इट्स पीयूष एंड वेलकम टू द चैनल। अभी बच रहे हैं ऑलमोस्ट 4, अपन चल रहे हैं लॉन्ग राइड पे और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि अपन चल रहे हैं प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन पे, जो कि है तमिलनाडु। 2-3 दिन रुकेंगे, मस्त पूरा एक्सप्लोर करेंगे। तो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कितना दूर है, सब बताता हूँ, चले चलते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग, राइट नाउ इट्स 4:15 एंड अपन चल रहे हैं बहुत ही प्यारे हिल स्टेशन में जो कि तमिलनाडु में है एंड इट्स कोडाईकनाल। मतलब उसके बारे में ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगा क्योंकि अपन वहाँ 1-2 दिन रुक के आराम से पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं। आराम से घूमेंगे, पूरा बाइक राइड करेंगे, एंजॉय करेंगे एंड आप डिसाइड करके बताना कि कितनी प्यारी जगह है क्योंकि आप ही ने चूज़ करी थी। आपको अगर याद हो तो इंस्टाग्राम पे मैं मंथली पोल करता हूँ एंड वहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट्स मिले थे कोडाईकनाल एंड कैलासा टेम्पल, जो कि था महाराष्ट्र में। बट जो वेदर कंडीशंस हैं एंड बुकिंग वो ज़्यादा अच्छी कोडाईकनाल में लगी, तो फिर आई चूज़ टू गो विद इट। एंड बेंगलुरु से 500 किलोमीटर्स की राइड है, बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले अपन नेक्स्ट 2-3 डेज। पूरा कोडाईकनाल घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ पे यार बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी जगह है, जैसे बहुत अच्छे व्यू पॉइंट्स हैं एंड बहुत एक ओल्ड विलेज है जो कि आप देखोगे ना तो इतना सिस्टमेटिकली अरेंज है, मतलब मज़ा आ जाएगा उस विलेज को देख के। एक विलेज की मैं इतनी तारीफ़ क्यों कर रहा हूँ, वो आपको देखोगे ना तब समझ में आएगा। और वाटरफॉल्स है, बाकी तो अपन बहुत इंजॉय करने वाले हैं, तो चलो मेरे साथ बने रहना। चलो तो अभी अपन एक फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है वहाँ से अपन निकल रहे हैं, बट मुझे यहाँ पे ना बिल्कुल लाइट नहीं होती और थोड़ा फॉरेस्ट एरिया ना तो आपको पता ही है कैसा होता है। तो एक बात बता, आपको ऐसी जगह पे चलाने में मज़ा आता है क्या? मतलब पूरा अंधेरा, सिर्फ गाड़ियों की लाइट आ रही है। मुझे तो यार सच्ची में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसमें होता क्या है कि लाइक अपनी चारों ओर शांति और जंगल का, जैसे जंगल की थोड़ी बहुत ठंडक आ जाती है ना क्योंकि आसपास पूरा फॉरेस्ट एरिया है, तो भाई क्या मज़ा आता है ऐसी जगह पे। और विजन के नाम पे बताऊँ क्या होता है, आपके बाइक की, आपके कार की राइट और पीछे जो भी व्हीकल आ रहा होगा उसकी लाइट, भाई बहुत गजब सीन बनता है। मेरे को बहुत मज़ा आता है ऐसे में चलाने में, मतलब पूरा शांति, आप फोकस कर सकते हो, ऐसा लगता है पूरा किसी VR के अंदर मैं बाइक चला रहा हूँ। सच्ची पूरा VR वाला फील आता है मुझे। VR मतलब समझ रहे हो, जो वाइजर के थ्रू विजन मिलता है ना हेलमेट में, बस वो पूरा रहता है सामने और गजब की फील आती है। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत मज़ा आता है। हेलो, अभी कॉफ़ी पीने रुका हूँ, फर्स्ट ब्रेक अपना। सोचा यार थोड़ी सी भूख लग रही है तो यहाँ पे अब बिस्किट मिल रहा था, मैं सोचा चल बिस्किट ही खा लेते हैं और कॉफ़ी पीते हैं। टायर्ड नहीं था बट यार भूख जैसी लग रही है अब थोड़ी सी, पता नहीं शायद जल्दी डिनर कर लिया था ना इसलिए। सनराइज़ होगा, कहीं रुक के मस्त आराम से व्यू पॉइंट देखेंगे क्योंकि जल्दी क्या है यार, पहुँच जाएंगे अपन, मेरे को पूरा भरोसा 2 बजे तक पहुँच जाएंगे, तो इन्जॉय करते हुए चलते हैं राइट, क्या ही है। और भाई कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? बस मज़ा आना चाहिए क्या, अभी होने वाला है सनराइज़, अपन मस्त वाले व्यू पॉइंट पे रुकेंगे, मज़ा आ जाएगा, सनराइज़ देखेंगे। और ऑलमोस्ट 65 किलोमीटर्स रह गया होगा, सेलम पहुंच जाएंगे, फिर करते हैं नाश्ता अपन। मैं तो सोच रहा हूँ वही सेम लोकेशन पे करते हैं जहाँ पे अपन कोलीज गए थे ना लास्ट वीकेंड, तो वहाँ पे क्या था, अच्छा था यार, वहीं करेंगे। और अपने सुरेश भाई से भी मिल लेंगे, सुरेश भाई आपको याद है पान शॉप थी बगल में, अपन से मिलने आए थे भाई, अपन से वो मिलना है तो इस बार अपन चल देंगे मिलने, मज़ा आएगा सच्ची में। ओ देखो अब दिख रहा है सनराइज़, कितना प्यारा लग रहा है। मेरे को लग नहीं रहा कि आपको दिख रहा है वो सनराइज़ के नीचे ऐसे ऐसे, मतलब बहुत सारे पहाड़ हैं लाइक सीक्वेंस में बने हुए हैं छोटे छोटे, हाय बड़ा गजब लग रहा है यार सच्ची में, मज़ा आ गया सच्ची। यही तो होता है यार, यही सबका फील आता है राइड में। फोटो लेते हैं एक इसकी, मज़ा आएगा। तो अपन आ गए हैं, ये वही जगह है जहाँ पे अपन कॉलेज जा रहे थे लास्ट वीकेंड,
और अपन रुके थे, नाश्ता करे थे, पेट्रोल भरवाया था, फिर नाश्ता करा था अन्नपूर्णा होटल में। तो अपन फिर से चलते हैं, नाश्ता करते हैं और अपने जो बहुत प्यारे से सुरेश भाई, अपने यूट्यूब के जो फैमिली मेम्बर हैं उनसे भी मिलते हैं अगर वो है तो। अभी तो उनकी शॉप शायद बंद लग रही है, हाँ पान शॉप बंद है। कोई नहीं, अपन नाश्ता करते हैं, तब तक आ ही जाएंगे। चलो भाई बाइक लगाई जाए और नाश्ता करते हैं। मेरे को सुरेश भाई दिख गए, चलो पहले उनसे पूछते हैं, पहले देखते हो पहचानेंगे कि नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने हेलमेट पहन रखा था, थोड़ा बहुत फेस दिख रहा था क्योंकि वाइजर ओपन था। लेट्स सी। यू रिमेम्बर मी? यू रिमेम्बर? याद? हाँ दे दे दे। मेरे को लगा भूल गए होंगे। कैसे हो? अरे ये यूट्यूब चैनल है। हाँ हाँ बड़ा वाला वीडियो हमारे यहाँ। वीडियो? न्यू वीडियो। हाँ कोहली हिल्स। हाँ हाँ कोहली। हाँ ये देखा आपने? वॉच यू वॉच्ड? हाँ हाँ कोहली हिल्स। कोहली हिल्स नाउ गोइंग कोड़ाई कनाल। कोड़ाई कनाल हाँ टुडे। कहाँ गए? और चलो भाई चला जाए, अच्छा लगता है यार अपने YouTube फैमिली का कोई मेंबर मिले। अब पता नहीं अपना इधर साइड कब आना हो। 214 किलोमीटर चला चुके मॉर्निंग से और इधर आके अपन ने ब्रेकफास्ट कर लिया, अब आराम से अपन चला सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अरे वाह क्या मस्त पहाड़ दिख रहे हैं, बड़े बड़े, एक वो बड़ा फिर उसके आगे नीचे ऐसे लाइन से। सही है भाई। अरे स्कूल के बच्चे, वाह वाह, बड़ा अच्छा लगता है यार स्कूल के बच्चों को मिलना, क्योंकि तो अपन भी एक टाइम पे थे जब छोटे से थे, बस में जा रहे होते थे, कोई मिलता था बाइकर टाइप का, कोई बड़ी कार में हेलो भैया करते थे। मतलब साउथ इंडिया में ये चीज़ तो मैंने देखी है कि यार बहुत प्यारी प्यारी कलरफुल बसेस होती हैं यहाँ पे, येलो ऑरेंज ग्रीन पिंक, बड़ी प्यारी लगती है। देखो भाई साहब, हाय चलो भाई पेट्रोल डलवाया जाए। अब थोड़ी बोरियत नहीं होगी क्योंकि पूरा हाईवे स्ट्रेट है, वो भी 150 किलोमीटर तक। बाप रे भयानक बोरियत हो रही थी सच्ची में, सोचा गाना सुन लिया जाए एक कान में लगा के, थोड़ा टाइम पास रहेगा। वॉल्यूम लो है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है, नॉइस कैंसिलेशन ऑफ कर दिया है। देख रहे हो क्या हाईवे है, सूखा बंजर, चलते चले जाओ बस दूर दूर तक, सिर्फ रोड है। और आई थिंक अपन कितना चला चुके हैं अभी तक, अप्रॉक्स 100 किलोमीटर अभी और जाना है, ऐसी स्ट्रेट हाईवे, कोई टर्न नहीं कुछ नहीं, बस सीधा हाईवे। यार बड़ा बोरिंग होता है इस हाईवे में। तो एक काम करते हैं, ज्ञानी बाबा की एंट्री करते हैं, ज्ञानी बाबा कुछ कुछ टिप्स देंगे आपको, जैसे जब आप ऐसे रूट पे चला रहे हो कि आपको पता है कि यार 100, 150 और इवन 200 किलोमीटर तक कोई टर्न नहीं और बहुत बोरिंग होने वाली है राइड, हाईवे है, धूप का टाइम है, ऐसा कोई भी माहौल है, तो आप बताओ क्या करो। अगर आपसे नहीं चल रही तो आराम से ब्रेक लेते लेते हुए जाओ, कोई टेंशन नहीं है, बट बॉडी को स्ट्रेस पर मत डालो, क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रेस डालोगे उतना ज़्यादा थकोगे और फिर जर्नी में कंप्लीट करने में प्रॉब्लम होगी। तो भाई आराम से चलाते रहो, कोई टेंशन की बात नहीं। और अगर बोर हो रहे हो तो कुछ ना कुछ करते रहो, जैसे मैं गाना सुन रहा हूँ, मुझे गाने से नींद नहीं आती, क्योंकि ऐसे में होता क्या है कि नींद जल्दी आती है, तो कुछ ना कुछ ऐसे ही अगर गाना सुन सकते हो, मतलब देख के सुनना यार, वो प्रॉब्लम भी होती है कि पता चले पीछे कोई गाड़ी आ रही है, वो हॉर्न बजा रही है और तुम गाना सुन रहे हो मस्त आराम से, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। बट हाँ कुछ ना कुछ करते रहो जिससे तुम नींद ना एंड यू स्टे अवेक, आराम से चिल करते हुए जाओ, मस्त मजा करो। चलो भाई हाईवे से निकले, अब यहाँ से जाना है कोड़ाई कनाल के लिए राइट। और क्या है, मीनाक्षी भवन, यहाँ पे एक मैंने कहीं देखा था पीछे बोर्ड, जूस सेंटर करके दुकान है इधर साइड, वहीं चलते हैं भाई जूस पी लेंगे।
ओ भाई ये ट्रक भी जा रहा है, ये कैसे मुड़ेगा? ये जब तक मुड़ेगा मैं निकल जाऊंगा भाई, इसके लिए वेट नहीं कर पाएंगे अपन, बहुत टाइम लगेगा इसको तो। ओके तो ये रोड जा रही है अपने, ओ भाई गंदा एक्सीडेंट हो गया यहाँ तो। भाई कहाँ चला रहे हैं लोग, अरे बाप रे, मार ले भाई, मार ले ले, ले मार ले भाई। मैं कहाँ चले जाऊँ मतलब, ये क्या है, ऐसे कौन चलाता है? हैवी ड्राइवर है सबके सब, कोई भी नहीं चला रहा उस साइड, पुलिस वाला तक है। अरे राम प्रभु, कोई तो रूल फॉलो करो। सिर्फ 90 किलोमीटर से आ गया तो आई थिंक हिल एरिया है, तो गूगल मैप्स 2 घंटे दिखा रहा है, बट अपन देखते हैं जितना जल्दी होगा पहुंच जाएंगे और उसके बाद व्यू पॉइंट्स एंजॉय करते हैं। व्यू देखो आप, ये होने वाला है कोड़ई के स्टार्टिंग पे ये हाल है, आगे चल के क्या होगा देख रहे हो, रास्ता ऐसे चल के जाना है, बहुत माइनर्स माइनर्स है, मज़ा आएगा घाट रोड पे। चलो निकलते हैं अब यहाँ से, कोड़ई कनाल के घाट शुरू होने वाले हैं। ओ यहीं पे पेट्रोल पंप है, सही है, ये दिख रहा है सामने, इसी पे ज़िगज़ैग करते हुए पहुँचना है, या तब जाके अपन पहुँचेंगे कोड़ई कनाल जो के है ऊपर, एंड अप्रॉक्स 50 किलोमीटर्स है। मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा चलाने में, आई गज़ब। और ज़्यादा मैंने सुना नहीं है इस जगह के बारे में, बट कुछ टाइम पहले मेरे फ्रेंड्स गए थे तो उन्होंने बताया था कि यार बहुत नैरो रोड है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो देखते हैं कितना ही डिफ़िकल्ट है। बहुत सही लग रहा है यार, कितना बड़ा सा है पहाड़, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सामने इसके आगे रोड ही नहीं है। कोड़ई कनाल 46, उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट रोड अभी तक तो नहीं लग रहा है, बट हाँ मज़ा बहुत आ रहा है चलाने में। हिल्स में चलाने का अलग ही मज़ा होता है, क्यों तो होता क्या है कि इधर साइड से ना मस्त जो ओपन साइड होता है उधर से मस्त ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है, और एक साइड पूरा पहाड़ बना रहता है तो उसकी पूरी ग्रीनरी, और मस्त आराम से चलाते जाओ सामने आपको व्यू दिखता रहता है, बहुत सही फील आती है। सामने का व्यू देख रहे हो आप, वाह, थोड़ा स्पीड स्लो करते हैं, वो देखो नीचे लेक है और सामने का व्यू, भाई गजब। आगे देखता हूँ कोई व्यू पॉइंट मिलेगा ना तो वहाँ गाड़ी रोकता हूँ। अब जाके एक जगह मिली है जहाँ मैं थोड़ा बहुत पार्क कर सकता हूँ, यह है मंजलार डैम व्यू पॉइंट। ये डैम है मस्त, सुपन वहाँ से चलाते हुए आ रहे थे, वो देखो क्या व्यू है यार। चलो चलते, बट हाँ यार रास्ते में मज़ा आ रहा है क्योंकि इतने ज़्यादा टर्न्स हैं, बहुत छोटे छोटे टर्न्स आते हैं तो बार बार टर्न करते रहो, फील आती रहती है बाइक चलाने में। ये देखो मतलब आपने एक टर्न लिया उसके बाद आपको रोड ही नहीं दिखती, आपको फिर से एक और टर्न दिखता है। ओके आई एग्री कि कोड़ई का जो रास्ता है ये डिफ़िकल्ट है। अब ये डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस क्यों है वो मैं बताता हूँ, क्योंकि एक तो यहाँ क्या चेन में टर्न्स हैं एंड लाइक इतने ज़्यादा टर्न्स मैं अभी देख ही चुका हूँ, स्टीप नहीं मिलेगा आपको बट इतने ज़्यादा टर्न्स हैं कि आपको डिजीनेस होने लगेगी, या तो अगर मोशन सिकनेस है तो भाई हालत ख़राब हो जाएगी। एंड लाइक रास्ता यार ऑलमोस्ट 40-45 किलोमीटर तक सेम ऐसा ही है। अभी अपन चल चुके हैं अप्रॉक्स 10 किलोमीटर्स एंड मेरे को पूरा रास्ता ऐसे ही दिखा है, और मैप पे देखोगे तो पूरा सच्ची में रास्ता ऐसा ही है, तो ये उस लेवल का डिफ़िकल्ट है, गजब की जगह है ये। आप लोग ने नीचे नोटिस करा होगा, देखो लाइक पूरा सा ऐसा लग रहा था कि यार मतलब पूरा जो फॉरेस्ट होता है एरिया, मतलब पूरा सूखा था नीचे, मतलब जो फॉरेस्ट एरिया था मतलब पूरा ड्राई हो चुका था, और यहाँ पे देखो कितनी ग्रीनरी है, यहाँ पे फ्लावर्स है, कितने कलरफुल फ्लावर्स मिल रहे हैं, देखो पीछे मेरे को येलो दिखे, अभी देखो यहाँ ऑरेंज है, और वेदर देखो पूरा चेंज हो गया, तब अलग ही बात है यार। देखो राइड करने में बहुत मज़ा आएगा बट इट इज़ डेंजरस, सीरियसली कोड़ई राइड इज़ ऑसम, यू विल इन्जॉय द राइड बट इट इज़ डेंजरसली ऑसम। ओके क्या वर्ड मिला अपन को, तो कोड़ई राइड को अब अपन वन वर्ड में कहें तो इट इज डेंजरसली ऑसम है, लिटरली। क्या बात है सर, क्या बात है सर,
क्या बात, ये बात है, ये देखो, वेलकम टू कोडाई। अरे गजब यार, ये क्या सीन है, क्या हो रहा है यार, पुलिस की चेकिंग हो रही है आई थिंक। ओके प्लास्टिक लाउड नहीं है, तो प्लास्टिक निकाल निकाल के फेंक रहे हैं। आई थिंक वो कह रही है राइट से निकल जाओ। ऐसे एंट्री हुई है कोड़ाई में, गजब यार, बहुत प्यारा लग रहा है। पानी थोड़ा सा कम है यार, ऑब्वियसली यार, समर में व्हाट यू एक्सपेक्ट, पर बड़ा प्यारा लग रहा है, क्या गजब लग रहा है। ऐसे पहाड़ी पे छोटे 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 घर बने हुए हैं बहुत, वहाँ पे भी नीचे भी है ऊपर, बहुत सही लग रहा है। अपना भी ऐसी कहीं जगह स्टे है। ये देखो, आपको कोड़ाई की फेमस लेक दिखाता हूँ, छोटी सी, आई थिंक ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट है बड़ी प्यारी सी। अभी तो अपना स्टे के रास्ते में मिल गई, यहाँ पार्क अलाउड नहीं है इसलिए मैं रुक के थोड़ा अच्छे से देख नहीं सकता, बट अपन लौटते में देखेंगे। मस्त है यार, जरा जरा सी रोड है, अपन बस पहुँच गए, अपन को राइट लेना है। पूरा यही हालत है भाई, यहाँ जाना है, देख रहे हो ऐसे ही रोड मिलेगी भाई पूरे में। हेलो, तो ये रहा मेरा डॉम, आपको दिखाता हूँ। मुन्नार में नहीं दिखा पाया था क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग थे, तो प्राइवेसी का मतलब समझ रहे हो ना, हो जाता है। तो ये दिखाता हूँ, इधर अभी कोई नहीं है, जो थे अभी बाहर गए हुए हैं। ये है अपना, और ये गंदगी मैंने मचाई हुई है, बहुत थक गया था यार, भूख लग रही थी, तो खाना खा के अभी साफ़ करूँगा थोड़ी देर से। वहाँ वॉशरूम्स हैं, और लट्टू दिखाओ आपको, बड़ा मस्त है ना यार। ये देखो लैंप एक उधर भी लगा है, ये तो इफेक्ट भी दे रहा है, सही लग रहा है। और ये भी दिखाता हूँ, रात में यहाँ आग लगा सकते हैं, मस्त। ये यहाँ आग लगा दो और थोड़ा हीट रहेगा रूम में। चलो अब बाहर का सीन बताता हूँ क्या है। तो बाहर तो वही हालत है, देखो फॉग ही फॉग है, उधर भी फॉग, इधर भी, इधर भी। डॉल्फिन नोज इस साइड है, तो यहाँ पर फॉग इतना है अभी कि सिर्फ फॉग ही फॉग दिखेगा, ना डॉल्फिन दिखेगी, ना नोज दिखेगी, ना अपन दिखेंगे। तो बेटर अपन कल चल लेंगे टाइम निकाल के, ताकि कल भी अगर रहा तो अपन बहुत सारी जगह, मतलब मैं आपको अभी थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, फिर आपको 7-8 नाम याद करके आपको दिखाऊंगा कि अपन कहाँ का चलने वाले हैं। बाकी यार आसपास बहुत सही है, मस्त लग रहा है, देख लो यहाँ पे मस्त बना हुआ है। ये डॉगी यार, मतलब मैं दिखाना नहीं चाह रहा था, एक्चुअली क्या है कि इसका जो आगे वाला लेग है वो टूट गया है, तो है नहीं को, मतलब बहुत बुरा लगता है। वहाँ पर गेमिंग जोन है, तो वहाँ पर पूल टेबल है, खेल रहे हैं मस्त आराम से, उसी के सामने से मस्त वहाँ बैठ के व्यू देख सकते हैं, अभी दिखाऊंगा आपको। और ये इसका नाम है स्नोई, स्नोई के दोस्त वहाँ घूम रहे हैं, और यहाँ पे रात में बनेगा बोन फायर का सीन, अपन बोन फायर इंजॉय करेंगे। वहाँ पे आजू बाजू और रूम्स है, यहाँ पे भी डॉम बन रहा है, और अपना वाला डॉम ये बाहर से ऐसे दिखता। अब मैं मिलता हूँ थोड़ी देर से, देखते हैं कहीं आसपास चल सकते हैं, तो वरना आपको फिर मैं शाम को मिलता हूँ। तो अभी अब मैं जा रहा हूँ, वेट करता हूँ, देखता हूँ कुछ खाना वाना खा के स्टार ट्रेल या नाइट लैब्स जो बन जाएगा आपको बना के दिखाता हूँ एंड में। बाकी अब यार जल्दी से सपोर्ट करो यार, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं कल सुबह, तब तक ये ओके, टाटा बाय बाय।